मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ना, इतने सुबह हम ढक्के कहाँ जा रहे हैं? तो अभी सुबह का हो रहा है 5 बज रहा है और हम किसी काम से जा रहे हैं टिहरी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखो हनी, जैसे गाड़ी का नाम सुना हम सीधे उठा के लेकर आए, ना मुंह धुला, ना बाल बनाए, ना हनी कपड़े हमने रात को ही पहनाए थे और सीधे उठा के लाए। जैसे यहाँ पे लेके आए, हनी कह रहा है मम्मी टीट टीट, और ये देखो इसकी आंखें खुल गई। गाड़ी के लिए तो हनी खुश है ना हनी? देखो तो चलिए चलते हैं आगे आगे, फिर आगे आगे बात करूंगी आप लोगों से, है ना हनी? हनी किस में बैठा है? ठीक है। अच्छा कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी तो नहीं हूँ, बस ठीक हूँ। और अभी आप लोगों ने जो थोड़ी सी क्लिप देखी होगी, वो परसों सैटरडे का था और आज है मंडे। तो आप कह रहे होंगे सैटरडे से लेके आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जी हाँ, परसों सुबह आप जो परसों सुबह मैं गई थी टिहरी और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं उस सुबह। और उसके बाद छोटी सी एक क्लिप डाली थी मैंने जो कि टिहरी झील की थी, और उससे आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी क्यों मैं वीडियो नहीं बना पाई और हम क्यों गए थे टिहरी, तो ये सब चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि हम इतने सुबह 5 करीब हम घर से निकल गए थे उतनी रात को हनी को लेके, तो क्यों गए थे वो बताती हूँ। सैटरडे को गए थे, उस दिन हनी के पापा का ऑफिस का कुछ काम था टिहरी में, हमको वहाँ पहुँचना था, मतलब इनको पहुँचना था 10 करीब, क्योंकि 10 ऑफिस खुलते हैं सारे, आप लोगों को पता ही होगा। तो 10 करीब इनका काम था, तो इन्होंने कहा चलो घूम के आते हैं उधर से, है ना। और मैंने कहा चलो, फिर वैसे भी हनी की बिल्कुल भी कोई तबीयत ख़राब नहीं होती गाड़ी में, और हनी के लिए सफ़र बहुत अच्छा है, वो तो जितना चाहे उतना सफ़र कर सकता है, उसकी गाड़ी बहुत पसंद है, कार बहुत पसंद है और ट्रैवलिंग करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे की तरफ से ऐसे कोई टेंशन नहीं थी कि बच्चा वॉमिटिंग करता है या इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उस दिन मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब और उसके बाद मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाई, थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई थी। जब मैंने वीडियो शुरू किया था उसके थोड़ी देर बाद मैं सो गई थी और हनी बिल्कुल देख रहा था आगे, हनी तो सोया ही नहीं, और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन उसके बाद खाली पेट मैंने आज तक सफ़र नहीं किया है और इतनी सुबह तो बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब। खाली पेट मैं कभी भी सफ़र नहीं करती हूँ, जिस वजह से मुझे गैस बन जाती है, और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि श्रीनगर जाते जाते मेरी ना मतलब वोमिटिंग मुझे होने लग गई थी, और अगर एक बार आपको वोमिटिंग हो जाती है तो फिर ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुझे वोमिटिंग होने लग गई थी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि सॉरी मैं चॉकलेट खा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि क्यों आए होंगे हम यार, कभी भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन परसों पता नहीं क्या हो गया ऐसा। और फिर ऐसा था ना, उसके एक दिन पहले हमारा फास्ट भी था, जिस वजह से फास्ट के दिन तो भूखे रहते हैं, जिस वजह से गैस बन जाती है, तो फिर वही चीज़ है ना, उस वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर हम पहुंच गए थे 8:30 करीब, हम 8:30 करीब हम टिहरी पहुंच गए थे। उसके बाद हम थोड़ी देर, मैं तो गाड़ी में बैठी रही, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही हूँ बाहर, आपको घूमना है घूमो, जो करना है करो। और 11:30 तक हनी के पापा का सारा काम निपट गया था, फिर हनी के पापा कह रहे थे घूमने चलते, लेकिन मेरी बिल्कुल भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर निकल जाऊं। और मुझे मतलब मेरा सर घूम रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे ऐसा हो रहा था कि बस मैं कहीं जाके लेट जाऊँ। फिर क्या हुआ कि इनको फ़ोन आया, यहाँ पर कोई आया था हमारे रिलेटिव, जो कि
वैसा हम वहीं रहने की सोच रहे थे कि सैटरडे को घूम के संडे को हम वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर फ़ोन आया, मैंने कहा नहीं रहना यहाँ पे, वापस चलते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद हम घर के लिए निकल गए। तो वो थोड़ी सी क्लिप मैंने आते टाइम बना रखी थी, वो झील की, जो आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद हमने खाना भी खाया रास्ते में, लेकिन उसके बाद भी मुझे वॉमिटिंग हो गई। पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कभी हुआ नहीं। हनी के पापा ने कहा आज तुझे ऐसा क्या हो गया, मैंने कहा पता नहीं। और घर आई मैं, फिर यहाँ पे रिश्तेदार आए थे कोई इन्हीं के पहचान के, तो थोड़ी देर उनके साथ रहे, फिर कुछ काम था उनका शायद, इसलिए हमने सोचा यार जब कोई उनका काम हो और हम वहाँ ना हो तो अजीब सा लगता है ना, तो ये तो फिर हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पे। आई थिंक 12 बजे 12:30 बजे हम वहाँ से लगे थे, और 4 बजने से पहले हम यहाँ पे पहुँच गए थे। हाँ, इतनी स्पीड से आने के पापा ने कहा चलो रूम पे चलते हैं। और हनी बस इतना खुश था पूरे सफ़र में, बहुत ही ज़्यादा खुश था वो, उसको तो मज़ा आ रहा था। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी हुई थी कि मैं क्यों आई, ऐसा हो गया था मेरा। और उसके बाद मैं तो आई, लेट गई, फिर घर आके भी मेरी तबीयत ख़राब हुई। कल संडे के पूरे दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है पूरा। मैं लेट तो नहीं पाई क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जहाँ छोटा बच्चा है वहाँ लेटना तो इम्पॉसिबल है। तो कपड़े कुपड़े धुले, वैसे करके मैंने सोचा चलो तबीयत ठीक हो जाएगी, नहाई धोई और सारे कपड़े धुले, मैंने सोचा काम करके थोड़ा ठीक रहूँगी। लेकिन नहीं, आज सुबह भी मुझे ऐसा हो रहा था कि जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी अभी, इस टाइप का। और कहते ना गाड़ी का नशा सा लग गया था, वो पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। इस वजह से मैं कल भी कोई व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने कहा वीडियो बनाना जाए भाड़ में, एक बार तबीयत ठीक हो जाए, है ना। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर टीवी खुली छोड़ी थी और हनी सोया है अभी। और आज है मंडे, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 नहीं बजा अभी, लेकिन 3:30 हो रहा है। तो मैं अंदर आ गई थी आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि बाहर को कोई है तो मैंने कहा लोग बोलेंगे कि पता नहीं पागल की तरह किसके साथ बातें कर रही है। तो हाँ, 3:30 हो गया है अभी, और खाना खुना खाया, हनी को मैंने सुलाया। तो अभी जस्ट थोड़ी सी मुझे तबीयत ठीक सी लगी थी, अदरवाइज मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। उस वॉमिटिंग की वजह से, उस तबीयत ख़राब की वजह से बिल्कुल भी मेरा पूरा केमिकल लोचा हो चुका है। और तबीयत जब ख़राब रह जाती है ना तो बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। और ना, मैंने कहा यार आप लोग बोलोगे कि परसों स्टार्ट किया हुआ था, बल्कि आप लोगों को पता भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, जो आपने शुरू में देखा होगा बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो वीडियो बना देती हूँ। और चेहरे की हालत आप देख सकते हो, बिल्कुल फेस उतर गया है, शक्ल उतर गई है, होंठ सूख गए हैं क्योंकि तबीयत खराब में आप लोगों को पता ही है कि कैसे हो जाती है। और हनी को भी ना सर्दी जुकाम लग गया, क्योंकि उस दिन हमने दिन भर सफ़र किया और चावल बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी मेरे खाने की, तो हमने उस दिन में चावल नहीं बनाया। घर आके हमने सैटरडे की शाम को चावल बनाए थे, और चावल रायता बनाया था, तो मैंने वो खाया और वो हनी को ठंड हो गई उससे, क्योंकि हनी आप लोगों को पता है ब्रेस्ट फीड करता है। तो मैंने चावल भी खाए, चावल भी ठंडे होते हैं ठंडे में, और रायता तो होता ही ठंडा है, तो उस वजह से उसको ठंड होगी। गाड़ी का उसको कोई भी ठंड नहीं हुआ, क्योंकि हमने हीटर ऑन किया हुआ था कि बच्चे को कोई भी तबीयत ख़राब ना हो ठंडे से, है ना। तो घर पे आके उसको मेरे खाने की वजह से उसको ठंड हो गई, जिस वजह से उसको सर्दी जुकाम लग गई और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया यार। तो इसलिए कल भी मैं दिन भर उसके साथ अपने को भी संभाल रही थी, उसको भी देख रही थी, भले ही उसके पापा भी थे संडे के दिन, बट बच्चे की जब तबीयत खराब हो जाती है तो आपका मूड वहीं पे खराब हो जाता है ना। अपनी तबीयत खराब हो तो सब कुछ, मतलब ये है कि इंसान हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब हो तो, और सर्दी जुकाम में आप लोगों को पता ही, बच्चे बहुत ज़्यादा झिक झिक करते हैं। तो फिर मैंने कल रात को, संडे की रात, कल उसको जुकाम की दवाई खिलाई थी, लेकिन उसने पूरा वॉमिटिंग कर दिया था। थोड़ा बहुत उसने जो खाना खाया था वो भी सारा निकाल दिया था, उस वजह से भी उसकी तबीयत खराब हो गई। क्योंकि उल्टी करने से, जो वॉमिटिंग करने से जो तबीयत खराब हो जाती है ना, मत पूछो किसी चीज़ से, मतलब और चीज़ें थोड़ी सी ऐसे लगती है चलो ठीक है करके, लेकिन वॉमिटिंग पूरा पेट उलट जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उस वजह से हनी की भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, और
वैसे तो वो मतलब उसको देख के लगता नहीं है उसकी कोई तबीयत खराब हो रखी है, लेकिन जुकाम जब लग जाती है तो सांस नहीं ले पाते बच्चे, और इस वजह से तो मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो इसलिए मैं वीडियो कल भी नहीं बना पाई, परसों भी नहीं बना पाई। और मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग की है तो इसको एंड भी कर देते हैं, और मैंने बहुत गैप कर दिया अपने ब्लॉग्स के बीच में, मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। हनी के बाबा बोलते भी हैं तूने छोड़ दिया, तूने शुरू क्यों किया था जब तुझे छोड़ना ही था ऐसे टाइम पे, जब तेरा चैनल यहाँ तक पहुँच गया है ना। तो मुझे भी लग रहा है यार, हाँ मैंने मतलब मोनेटाइजेशन ऑन हो गया और इतने डॉलर होने वाले हैं, आई थिंक 100 भी हो जाएंगे 1-2 मंथ के बाद, भले बहुत लेट हो रहा है मेरे उसमें क्योंकि मेरी वीडियो चल ही नहीं रही, बट ये है कि मैं छोड़ रही हूँ। और पहले बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी से मैं वीडियो बनाती थी, लेकिन अब मैंने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया, बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से जो डेली देखते थे वो भी छोड़ गए चले गए। और ये गर्म पानी करके रखा हुआ है मैंने हनी के लिए, अपने लिए, इसके पापा के लिए। तो बस इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आज है 8 तारीख मंडे, तो शायद हम जाएंगे 11 या 12 को हम घर जाएंगे दीपावली के लिए, तो कल से कोशिश करूँगी, कल से मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ। तो चलिए फिर मैं अपना ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और इसमें मैंने बस आप लोगों को बताया, परसों जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा हो रहा था इसको डिलीट कैसे कर दूँ, इसको अपलोड ही कर देती हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, जो लोग देखते हैं वीडियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं वीडियो का, उनको पता चल जाएगा क्यों मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी इस वजह से। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।